नमस्ते। हमारा फिनिक्स का एनालिटिकल बैलेंस है, इसमें फिनिक्स ने अभी एक नया फीचर ऐड किया है डेंसिटी डिटरमिनेशन किट का। डेंसिटी डिटरमिनेशन किट में हम सॉलिड और लिक्विड दोनों आइटम सब्सटेंस का डेंसिटी ले सकते हैं। हम ये जो अभी डेमो देंगे वो NLB 5003 1 मिलीग्राम के बैलेंस में, ये 500 ग्राम कैपेसिटी 1 मिलीग्राम का बैलेंस है और इसमें ये सॉफ्टवेयर अभी ऐड किया गया है। हम गोल्ड का डेंसिटी चेक करेंगे। ये गोल्ड की इयररिंग है जिसकी डेंसिटी अभी हम चेक करने जा रहे हैं। डेंसिटी के साथ हम इसकी प्योरिटी भी चेक करेंगे और इसका कैरेट भी देखेंगे। अभी हमारा बैलेंस जो है ग्राम मोड में है, इसको हम अभी डेंसिटी मोड में लेकर जाएंगे। डेंसिटी मोड में जाने के लिए हम मोड का बटन प्रेस करेंगे। बैलेंस डेंसिटी के ऊपर एडो चला गया है और बैलेंस डेंसिटी मोड में आ चुका है। अभी हम इसमें गोल्ड की डेंसिटी निकालेंगे। उसके लिए हम सैंपल बटन को पुश करेंगे। वेट इन एयर डिमांड कर रहा है। डेंसिटी जो निकालते हैं सबसे पहला वेट हम लेते हैं वेट इन एयर। हम सैंपल बटन को पुश किए, वेट इन एयर आया। अभी हम इसके ऊपर वेट इन एयर रखेंगे। ये फर्स्ट वेट हो गया, थोड़ा स्टेबल होने देंगे। उसके बाद फिर हम सैंपल बटन को पुश करेंगे। लिक्विड के अंदर वेट मांग रहा है। सेकेंड वेट वेट इन वाटर होगा। हमने इसको यहां से उठाया, पानी के अंदर इस झूले के ऊपर डाला, थोड़ा स्टेबल होने देंगे और फिर से अगेन हम सैंपल बटन को पुश करेंगे। ये डेंसिटी आ गया 17.412, ये इसकी डेंसिटी है। अगर इस गोल्ड का प्योरिटी हमको चेक करना है तो हम M प्लस बटन को दबाएंगे और इसकी प्योरिटी आएगी 90.125। इसकी प्योरिटी है 90% इसमें गोल्ड है। ये सिंपल चीज है, इससे ज्यादा इजी तरीके से कहीं भी आपको प्योरिटी नहीं बताया जा सकता है। और ये फिर अगर हम इसका प्रिंटआउट लेना चाहें तो हम प्रिंट बटन को पुश करेंगे। हम M प्लस की को प्रेस करके प्रीवियस जो हमने डेंसिटी चेक किया था उसको हम फिर से देख सकते हैं। उसके लिए हमें M प्लस बटन को प्रेस करना होगा। वेट इन एयर जो फर्स्ट वेट आया था, वेट इन लिक्विड जो सेकेंड वेट आया था, उसकी डेंसिटी, उसकी प्योरिटी हम प्रीवियस को देख सकते हैं। जब तक कि हम सेकेंड वेट सेकेंड डेंसिटी फिर से नहीं निकालते हैं तब तक हम इसको चेक कर सकते हैं। इस बैलेंस को हम पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके जितने भी डाटाज हैं वो सारे पीसी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। पीसी में आप उसको किसी भी लोकेशन में आप सेव कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको प्रिंटआउट लेकर या पीसी का डाटा किसी को शेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं।